विपक्ष जो है कह रहे कि भाई पुलवामा में आके 300 किलो आरटीएस कहाँ से आया था। हाँ, कहाँ से आई है गवर्नमेंट को बताना चाहिए। कश्मीर का जो एसपी था जो उग्रवादियों के साथ घूमता था वो कहाँ पर, उसके लिए क्या कार्रवाई हुई? अच्छा, उसके लिए कोई कार्रवाई की? क्या लगता है आपको, भी लगता है कि इसमें जानबूझकर कोई साजिश है? जब तीन क्विंटल आरडीएस का पता ही नहीं चला वो कहाँ से आया क्या आया। हाँ। और के पीछे ईडी इंक्वायरी आईडी इंक्वायरी जो वैसे काम अपोजिशन में बोलता है उसके लिए एसीसी इंक्वायरी बिठा देते हैं। क्या इनके नेता गलत काम नहीं करते? उनके लिए ईडी इंक्वायरी नहीं करती होती कभी? जो अपोजिशन में बोलता है उनके लिए ईडी बिठा देते हैं, वो बिठा देते हैं। आप पूर्व सैनिक हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? हम कारगिल युद्ध में थे। हाँ। हमने लड़ाई लड़ी है, वो फोर्स तोप नहीं होती, देखो माई का लाल पहाड़ी अब कब्जा नहीं कर सकता था। हाँ। वो फोर्स तोप की वजह से ही हमारा देश बचा है। अच्छा, जिसमें दो पायलट हमारे चले गए थे। हाँ। दो फाइटर गिराए गए थे, नेचप्पा को पड़ा गया था। बोफोर्स तोप नहीं हम उन पहाड़ियों को बचा, बाकी कोई माई का लाल उन पहाड़ियों को नहीं जीत सका था। हिंदुस्तान में कोई इतनी पावर नहीं थी जो उन पहाड़ियों जीत सके। तो क्या मोदी सरकार जो राफेल लेके आई है कैसा है, ठीक है ना? राइफल क्या पता, हमने कभी चला के देखी है? इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग करवा दिया, क्या इसने पाकिस्तान में कोई टुकड़ा किया है? क्या इस राज में कोई पाकिस्तान का टुकड़ा हुआ है? पर सवाल खड़ा ये हो रहा है क्या कि जो 300 किलो आर्टिक्स आया था उसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? हम ये कह रहे हैं उसके पीछे कोई भी आदमी नहीं पकड़ेगा, न उसके लिए कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कुछ जांच की मांग करते हैं। जांच की मांग होनी चाहिए, कहाँ से आया वो? इनके राज में ही तो आया, बीजेपी के राज में ही तो आया वो। ये बातें छोड़ दो, राजनीतिक बातें, हमारी फौज की बात अलग है, राजनीतिक बातें हमारे पास क्या, इनका क्या करना। आप कौन सा युद्ध लड़ा था? 71 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। हा? पाकिस्तान के दो टुकड़े वो उतरी त्रिपुरा में थे, अगरतला के बॉर्डर पर ही उतरी थे। अच्छा, उसके बाद आर्मी आ गई, हम पीछे हटा दिए सीआरपीएफ। पहले सीआरपीएफ हाँ, ये तो चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। वैसे तो वाकई सरकार जाना भाई, हमारे हमारी तो ये देश तरक्की कर रहा है, देश तक कर रहा है, फिर हमारी जो जो मांग है वो अभी तो देश तक करने जब तक की करेगा, पता ही तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, अग्निवीर पे क्या कहना चाहेंगे? गलत किया है अग्निवीर बनाया जो जा रहा है, कैसा गलत कर रहा है? क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। अग्नि कह रहे हैं युवा रहेंगे तो पराक्रम करेंगे, वो पराक्रम अभी नहीं होगा। ये जब ये युवा नहीं, जो जो 4 साल कर दे, जब युवा नहीं थे, बूढ़े हो गए थे, 15-20 साल में बूढ़ा होगा क्या? कोई नया खून रहेगा उसलिए ज्यादा होगा, जोश होगा उसमें। जब काम में नहीं सीखा, जो घंटे में होगा, 4 साल में क्या सीखा? साल में पेंशन आ जाएंगे, पेंशन आ जाए, चलो 4 साल में तो ट्रेनिंग पूरी नहीं होती, 4 साल में क्या सीख लेगा? क्या करेंगे? अलग जगह है जरा, देशभक्ति, देशभक्ति, कोई देश भक्ति नहीं, 4 साल में कुछ नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि जो 4 साल ये जो रोजगार योजना है कैसी योजना है? वो हमारे समझ से तो ठीक है, ठीक है, वो हमारे समझ से दूर है, सीधी बात। आइए इधर आइए, समझ में नहीं आपको 4 साल क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, ये युवा है थोड़ा? हाँ बिल्कुल, ये जो 4 साल का जो ये योजना है ये अच्छी है। अच्छी, इसमें क्या दिक्कत? जैसे इसमें ये इसलिए है कि वो जो नवयुवक जाएंगे और वो प्रशिक्षित होंगे और 4 साल अपनी ड्यूटी करेंगे, फिर उनके उसमें से कुछ परसेंट वहीं रह जाएंगे। अरे तो देखिए ना क्या क्या काम कर रहे हैं भाई, क्या क्या काम कर रहे हैं आज 2004 के बाद से आज तक उनके लिए जो जो काम कर रहे हैं, जो सीएपीएफ, आप इतने जो है सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए, लेकिन क्या जवानों को पेंशन है क्या? बताइए, नहीं मिला, कहाँ पेंशन है, किस चीज का जो है शहीदी दिवस बताइए? जाके पाकिस्तान ने घुस के मारा, बदला ले लिया, ठीक है, वो कुछ एक काम अच्छे हैं, ठीक है, उसमें उसकी कोई वो नहीं है, ठीक है, परंतु ये भी तो काम है, इनमें कितना महत्वपूर्ण है काम है। क्रेडिट किसे देंगे आप? कौन सा? अरे सर्जिकल स्ट्राइक का जो मोदी जी ने किया है। नहीं, मोदी जी ने किया, देश के सब ने किया है, मोदी जी ने उसके, लेकिन ये भी काम किए जाना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। मोदी इतने दिन से 2014 से आज है कि नहीं मोदी जी पे आपको? नहीं, उम्मीद क्यों नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल है, तभी तो हम अपना कर्तव्य कर, अब हम ये तो कर्तव्य कर रहे हैं और ये कर्तव्य करते रहेंगे।
और यदि ये सरकार इधर ध्यान नहीं देगी अवश्य ही सरकार के खिलाफ जो है हम जागरण अभियान चला के रखेंगे। चीन हमला कर देगा, ऑप्शन की छोड़िए, हम विरोध में काम करेंगे जो भी है। यदि ये काम ये नहीं करेंगे तो हम इनसे जो है समस्या, ऑप्शन ऑप्शन की छोड़िए, ऑप्शन कोई हम विरोध में। अरे मोदी नहीं लाओगे तो कुछ पाकिस्तान चलाएगा, चीन कब्जा कर लेगा, मुसलमान कब्जा करेगा, तो हम बैठे हुए हैं फिर से आएंगे हम। नहीं वो ठीक हो गए फिर से आएंगे, वो कोई बात नहीं, लेकिन हम जो है उसमें विरोध में उसमें काम करेंगे। जो ये बताइए जी, आज पुलवामा की बरसी चौथी बरसी है जी, क्या कहना चाहेंगे? हम तो अपने जवानों को शहीदी दिवस पर जो है आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब संगठित हुए हैं, ठीक है, और उनको संगठित तो इसीलिए कि आज उनके तहत उनके परिवार का क्या होगा, वो तो जवान शहीद हुए उन जवानों ने जिन्होंने संसद भवन को बचाई है, उन जवानों ने संसद भवन को जवाब बचाई और अपने आप को निछावर कर गए, परंतु उनकी कोई पेंशन नहीं, उनके बच्चे सुरक्षित नहीं, ये हमारी क्या मोदी जी काम कर रहे हैं, कौन से मंत्री जी काम कर रहे हैं, आज तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं, ये कौन सा काम है? हम तो नहीं मानते ऐसे काम को, काम नहीं मानते आप, क्या काम है बताइए, आप खुद विचार करिए। आप लोग सब जो है मीडिया के सब पत्रकार हैं, आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि जो जवान इस संसद भवन को बचाने के लिए बताइए शहीद हुए कि नहीं, उनका परिवार सुरक्षित नहीं है, तो क्या ये मंत्री और ये जो सांसद क्या कर रहे हैं, और उनके सांसद जो भी है उनको सबको पेंशन मिल रही, एक अकेला मोदी सब पर भारी, वो अलग की बात, हम उसकी बात नहीं, वो राजनीतिक बात है और वो है, हम उसकी बात नहीं करते। जो कुछ जंतर मंतर में आज जो हमारे 40 जवान CRPF के शहीद हुए थे, उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए हम सारे जो हमारे CAPF के जवान हैं वो हम सारे एकत्रित हुए। क्या करेंगे आप लोग अगर मान लिया कि नहीं पसंद किए गए, 24 नजदीक आ रहा है, ठीक है, हम वो बात हम अपना विरोध तो जाहिर करेंगे और क्या करेंगे, हम अपना क्या करेंगे विरोध के में उसमें जो भी हमारे हम सभी संगठित होकर जो हमें आएगा निर्णय, परिवर्तन करेंगे क्या, वो सत्ता परिवर्तन होगा क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन कुछ ना विरोध में काम हम लाएंगे, हिमाचल में लाया है, छत्तीसगढ़ में लाया, राजस्थान में लाया, हमारा अभी मतलब यही है कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं और जो जवान शहीद हो रहे काम कर रहे हैं उनको पेंशन के वो हकदार हैं, उनकी पेंशन लागू होना चाहिए, अभी हम उनसे आशा करते हैं और उस पर काम कर रहे हैं। बाकी अच्छे दिन आ गए ना, अच्छे दिन तो ठीक है, वो अपना जो भी समझे वो अलग बात है, अच्छे दिन और जो है उनका सरकार का मैं जो भी है, परंतु ये भी चीज होना चाहिए, ये भी काम होना चाहिए, वो अलग बात है, वो अलग बात है, अभी हम जो अभी 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 वो सब राम अभी क्या गया रामराज आ गया, क्या कहा गया, हमारी डिमांड से पूरी नेगेटिव, रामराज कैसे आएगा, दुनिया दुखी है, जो बराबर का मिला डिफेंस के लिए दे रहे तो इसको 8 सैनिकों को क्यों नहीं दे रहे हैं, देना चाहिए कि नहीं, ये भी मरते हैं शहीद, इनका इनको शहीद का दर्जा भी नहीं, इनको हिंदू राष्ट्र बना लेने दिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर मुसलमान कहाँ जाएंगे, या ऐसी चीजें हो जाएगी, अरे कैसे घर वापसी होगी, घर वापसी होगी, मोदी चला जाएगा, मोदी चला जाएगा, ऐसे तो हिंदू पक्ष कर मार काट हो जाएगी, आपस में लड़ाने वाली बात कर रही हो, ये तो देखते रहेंगे, ऊपर लीडर तो है, पब्लिक को मरवा देंगे, आपस में कट कट कर मर जाएगी पब्लिक, मरेगी नहीं, पैरामिलिट्री के लोग लगातार कई बार आ चुके हैं, लेकिन की बातें तो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, अपना विरोध तो प्रकट करना है, मानो ना मानो हमारा अपना काम तो करना है, अगर हमारी मांगी पूरी नहीं होगी तो हम भी CAPF के जितने पूरे भारत के वर्ष में हम इलेक्शन में दिखा देंगे, हिंदू राष्ट्र की जरूरी नहीं है, राष्ट्र क्यों चाहिए, बात क्यों कर रहे हैं आप, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की किसलिए बात कर रहे हैं, कारगिल युद्ध में मरवा के इलेक्शन जीते, CRPF के मरवा के इलेक्शन जीते, अच्छा हाँ बिल्कुल, क्या कह रहे हैं, अच्छा अच्छा क्या रहेगा।